जय हिंद बच्चों। तो कैसी चल रही है क्लास टेंथ की बोर्ड एग्जाम की तैयारी? आई होप आप सभी घर पे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हाँ, कुछ टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। जो टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो रही है भाई, टॉपिक की मैं सेपरेट सिंगल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जैसे आपके एग्जाम के लिए जो क्लास टेंथ में CBSE बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैंने इसकी डिटेल में नोट्स चेक किए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चेक किए तो उसमें ये टॉपिक कई बार रिपीटेड पूछा गया है, लेकिन बहुत से टीचरों ने ये टॉपिक स्किप करा दिया है। ठीक है, तो इसी टॉपिक को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। आप अगर पढ़ रहे हो ठीक, तो आपके लिए एडवांटेज ऐसे है, ये वीडियो देखने से हो सकता है आपके 4-5 नंबर बढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो मैं टॉपिक अभी आपको पढ़ाऊंगा इससे कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स भी पेपर में पूछे जाते हैं। आप जानते हो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से नॉर्मली न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के बारे में अभी सही से नहीं जानते होंगे। वो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आएगा कि सर, हम इस छोटी सी वीडियो देख के क्या आप एक टॉपिक कवर कर सकते हो? इजीली कर सकते हो। कोई भी क्लास टेंथ में जो टॉपिक है, हद से ज़्यादा अगर आप एक सेपरेट टॉपिक पढ़ो तो कोई भी 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। सेपरेट टॉपिक, मैं कंप्लीट लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के बारे में। बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, आराम से समझेंगे, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या बताता है हमको, पहले तो आप आराम से समझ लीजिए। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? रिलेशन बताता है दो मीडियम के बीच का। ठीक, कैसे कैसे लाइट आई, लाइट ने कैसे कैसे अपना पाथ चेंज किया, पाथ चेंज करने से उसके मीडियम में क्या क्या चेंजेस आए, मतलब उसकी लाइट में कितना चेंजेस आया, उसकी स्पीड कम हुई ज़्यादा हुई। ठीक है, जो लाइट रे थी वो डेविएट हुई या नहीं हुई, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? दो मीडियम के बारे में रिलेशन बताता है। ठीक, चाहे वो मीडियम एयर टू वाटर हो, चाहे वो मीडियम एयर टू ग्लास हो, चाहे ग्लास टू वाटर हो या ग्लास टू वैक्यूम हो, कुछ भी हो सकता है। कोई भी दो मीडियम के बीच में रिलेशन पता करना हमको क्या बताता है? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। ठीक, लेकिन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पता करने के टाइम पे हमको कोई एक मीडियम को कॉन्स्टेंट मान के चलना होता है। वो कौन से मीडियम को हम कॉन्स्टेंट मान सकते हैं? आप जनरली, हम लोग क्लास टेंथ में एयर को हम कॉन्स्टेंट मानेंगे। वो क्यों मानेंगे? आप हायर क्लास में ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। हम एक मीडियम को कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एयर को हम कॉन्स्टेंट मानेंगे। ठीक, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को हम क्या करेंगे? कॉन्स्टेंट मान के चलेंगे कोई भी रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए। अभी हम कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बताएंगे, वो चीज़ें आपको बस नोट करनी है कॉपी पे। ठीक, मेरे साथ लिखेंगे, पहले समझेंगे। अगर बीच में आपको लगे कि लिखने बाद में जरूरी है तो आप या तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना या बीच में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सा टॉपिक। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को हम लिखते किससे हैं। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं म्यू से। किससे डिनोट करते हैं? म्यू से, ऐसा। ठीक, इसको क्या, ये किसका सिंबल है? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का। बात आई समझ में? चलो सर, इतनी तो बात आ गई समझ में। अब इसी का कैसे रिलेशन निकालते हैं? तो सबसे पहले रिलेशन ये है, समझते हैं इसको लिखा कैसे जाता है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझना। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू, ठीक, तो मीडियम वन से मीडियम टू में लाइट जा रही है, इतना तो हमको पता चल गया। आपने एग्जाम में देखा है कि जैसे कोई एग्जाम 40 नंबर का है तो आपके उसमें 26 नंबर आ रहे हैं या 36 आ रहे हैं, तो टोटल नीचे है। इसका रिलेशन किसके साथ दिखाया जा रहा है? इसके साथ। बात आ रही है समझ में? यही सारी चीजें हम अभी समझेंगे। तो रिलेशन है किसका? वन टू टू, दो मीडियम है तो मैंने लिख लिया वन, और म्यू क्या है? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। टू लिख लिया नीचे, अब जो म्यू टू लिखा है ये जाएगा ऊपर, तो आ गया म्यू टू, और वन है ये आ जाएगा नीचे, तो म्यू वन। तो ये रिलेशन किसका दिखाता है? स्नेल्स लॉ के साथ, साइन आई अपॉन साइन आर। इसको हम क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ, इतना तो आप जानते ही होंगे। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। बात आ गई समझ में? कोई भी तकलीफ यहां तक? नहीं, बिल्कुल क्लियर है। अब जरा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या होती है? सर जरा डेफिनेशन भी लगे याद बता दो। द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द वैक्यूम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट का मतलब होता है 100% एक्यूरेट। ठीक है, 100% सही। तो या तो इसको एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कह सकते हैं या डायरेक्टली सिंपली में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? अब इसी के साथ हम एक रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यहां पे जरा समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने लिख दिया फॉर ग्लास टू वाटर, अब मैंने किसका रिलेशन निकालना है? ग्लास टू वाटर। तो यहां पे हम इसको ग्लास वाटर का रिलेशन किसके साथ दिखा रहे हैं? ग्लास के साथ। तो मैंने W बना दिया फॉर वाटर, म्यू का लगा दिया साइन और यहां पे लिख दिया G। बात आ गई समझ में? अब मैंने क्या कहा था कि जो नीचे लिखा है वो ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे जाएगा, लेकिन हम एक मीडियम को इसमें कांस्टेंट मान के चलेंगे क्योंकि ग्लास टू वाटर जा रहा है, कोई ना कोई बीच में तो एक मीडियम कांस्टेंट होगा, तो उस मीडियम को हमने बोल दिया ए, ए फॉर एयर।
तो ए म्यू जी ऊपर और ए म्यू डब्ल्यू नीचे, ठीक। तो ये हो गया करेक्ट वे दो मीडियम के बीच के रिलेशन का। क्या सर अब हम आ गए यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट के रिलेशन के बीच में? नहीं, क्योंकि आप जानते हो स्पीड ऑफ लाइट को किससे डिनोट करते हैं, हम सी से, ठीक। तो अभी हम थोड़ा आपको एक मीडियम बता रहे हैं, एक ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ कैसे सकते हो। इतना समझ में आ गया, ठीक। अब इसी के साथ एक चीज और समझ लो यहाँ पे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड से कम होती है। मतलब एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होती है और डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होती है। आपका एक नंबर का क्वेश्चन जो आने वाला है 2023 के बोर्ड एग्जाम में, मैंने क्लियर कर दिया, ठीक। जरा यहां समझने की कोशिश करते हैं क्या लिख रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज मिनिमम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of what, sorry, diamond is maximum. अब सर मुझको ये भी तो बता दो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होती कितनी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं म्यू ए, कितनी होती है 1.0003, ठीक। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितनी होती है, बात आ गई समझ में? कभी कभी एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं यहां से, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तो कभी कभी वैल्यू नहीं गिवन होती है दोनों की, तो आपको वैल्यू याद कर लेनी है यहां से। मैं आपको दो तीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दूंगा बाद में, ठीक है, जिनकी वैल्यू आपको याद कर लेनी है और एग्जाम में आपको वहां पे इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा, दिमाग में सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है, दो नंबर का जनरली क्वेश्चन आता है, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो वही आपको सॉल्व करना है। मैं इसकी प्रैक्टिस आगे करा दूंगा, बस अभी आपको एक रिलेशन समझना है। इतना क्लियर है? फटाफट स्क्रीनशॉट लो क्योंकि हम अभी रफ करने वाले हैं। पढ़ते रहिए वीडियो, देखते रहिए क्योंकि नंबर लाने हैं, ठीक है। अब हम जरा समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट के बीच के रिलेशन का, पता लगाते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच के रिलेशन है क्या, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ लिखेंगे नहीं अभी समझेंगे। जैसे मैंने मान लिया इफ सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, सी को क्या माना है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एंड वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, बात आ गई समझ में? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर को हमने क्या माना था बेटा, सी, और वेलोसिटी लाइट इन मीडियम को क्या माना था, वी। तो ये इक्वेशन निकल के आ गई, म्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन वी। ये रिलेशन याद रखना आप, ठीक। स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन तो पता चल गया कि म्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन वी, ठीक। अब इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई, ठीक। अब हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे कि कोई भी दो मीडियम होने दो, फॉर एनी टू मीडियम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू वन इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन बोथ द मीडियम। अगर दो मीडियम की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट म्यू टू का रिलेशन दिखा रही है म्यू वन के साथ, तो दोनों की जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी दोनों मीडियम में कैसी होगी, बराबर होगी। वही रिलेशन अभी हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हमने जो अभी लाइन बोली है उस लाइन को अभी हम लिख लेते हैं क्योंकि पेपर के लिए ये लाइन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या लिखेंगे, हैंस फॉर एनी टू मीडियम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इज इक्वल टू द, आप लोगों को दिख रहा है ना, इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट
इन बोथ द मीडियम। इतनी बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल कोई दिक्कत? यहां तक आपको समझ में आ गया? अब जरा हम इसको रफ कर देते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि कोई भी दो मीडियम में जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम टू का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, वो दोनों बराबर होंगे उनकी वेलोसिटी ऑफ लाइट दोनों मीडियम में। बात आ गई समझ में? कोई तकलीफ? इसको जरा रफ कर दे रही, क्योंकि अभी हमको थोड़ा रिलेशन फाइंड आउट करना है। दो मिनट का रिलेशन है, आप सभी कर लोगे। ठीक, अब हम जरा रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि पहले हम क्या करेंगे कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालेंगे ग्लास का और एयर के साथ, फिर निकालेंगे वाटर का एयर के साथ, क्योंकि एयर को हमको क्या रखना है, कांस्टेंट मीडियम में। ठीक, तो जरा समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट केस क्या है? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टू एयर, हमको इसका रिलेशन निकालना है। तो इसका रिलेशन हम क्या ऐसे निकालेंगे, आप जानते हो क्या करेंगे यहां पे, डायरेक्ट हम यहां पे क्या लिखेंगे, ए म्यू जी, क्योंकि एयर का किसके साथ निकालना है, ग्लास का। तो आप जानते हो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट जैसा मैं लिख रहा हूं ऐसा ही लिखना है आपको, इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। बात आई समझ में? तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर को हमने क्या माना, सी, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम कौन सा है, ग्लास, तो इसको बोल दिया बी जी, और इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। बात आई समझ में? कोई भी तकलीफ नहीं ना? चलो आगे देखते हैं। अब दूसरा क्या किया हमने, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकाला किसका, वॉटर और एयर का, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर टू एयर। ठीक, अब हमने किसके बीच का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकाला, वॉटर और एयर के बीच का, तो क्या निकालेंगे इसमें, हम लिखेंगे किसका है, वॉटर टू एयर, तो एयर ए म्यू डब्ल्यू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट सेम रहेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। बात आ गई समझ में? तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर को हमने क्या माना था, सी, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम कौन सा था, वी डब्ल्यू, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, इसको दे दिया इक्वेशन सेकंड। बात आई समझ में यहां तक? कोई भी तकलीफ नहीं ना? अब जरा हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कर दें, यहां पे देखो, जरा यहां पे डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो हम पहली वाली इक्वेशन को क्या माना था हमने, ए म्यू जी डिवाइड बाई ए म्यू डब्ल्यू, इसकी क्या थी वैल्यू बेटा, सी अपॉन बी जी डिवाइड बाई सी अपॉन वी डब्ल्यू। इतना समझ में आ गया? अब अंदर वाला अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाहर वाले के साथ, तो क्या आएगा इसका रिलेशन, सी वी डब्ल्यू अपॉन सी वी जी, सी से सी कट गया, क्या बचा, वी डब्ल्यू अपॉन वी जी, और बी डब्ल्यू अपॉन बी जी को हम क्या बोलते हैं, आप जानते हो, जो पहले नीचे लिखा जाता है तो वो क्या हो जाएगा, जी डब्ल्यू बी। बात आ गई समझ में? क्योंकि जो नीचे लिखा जाएगा वो ऊपर आएगा और ऊपर वाला नीचे जाएगा, यही तो होता है। आ गया रिलेशन, बस कंप्लीट हो गया डेरिवेशन। यहां तक कोई तकलीफ आपको? कोई भी तकलीफ हो इस रिलेशन में? कुछ नहीं किया हमने, पहले निकाला रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टू एयर का, और फिर निकाल लिया रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू एयर, पहले ग्लास का एयर के साथ निकाला, फिर वाटर का एयर के साथ निकाला। जब ग्लास का वाटर के साथ निकाला तो वो एयर का रिलेशन निकाल रहे हैं ना ग्लास के साथ, तो ए म्यू जी, हमने आपको पहले समझाया था अभी वीडियो के स्टार्टिंग में, ए म्यू जी, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर को हमने क्या माना था, सी, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम कौन सा था, ग्लास, तो बी जी। सेम यहां पे किया, ए म्यू डब्ल्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम कौन सा था, बी डब्ल्यू वाटर वाला। दोनों को इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, इसको सेकंड दे दिया, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, सी अपॉन बी जी, और सी अपॉन बी डब्ल्यू। अंदर वाला अंदर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, बाहर वाला बाहर वाले के साथ, सी सी के साथ कट गया, तो बी डब्ल्यू अपॉन बी जी बचा। तो बी डब्ल्यू अपॉन बी जी को हम कैसे लिख सकते, जो नीचे लिखा है वो ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, ऐसे तो लिखा जाएगा, तो जी म्यू डब्ल्यू, रिलेशन कंप्लीट हो गया। कोई भी जरा सी भी तकलीफ आई नहीं ना? समझ में आ गया?